हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे वर्तमान सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलामानको पई रेगुलर बेसिस रे क्लासेस गुड़िक अपलोड करा जाउ छी। सो फ्रेंड्स, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पई चैनल को विजिट करूछंती, मु तांको सजेस्ट करबी चैनल रो प्लेलिस्ट को जिबे, सेटा रे सब वीडियोस अवेलेबल अछि। वीडियोस गुड़िक देखिबे एवं निजर समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानको सहित शेयर करिबे। आगामी वीडियोस रो अपडेट नोटिफिकेशन पई चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सहित साइड रे जो नोटिफिकेशन आइकन टी शो करूछि ताको मध्य फ्रेंड्स एक्टिव करेंगे। सो फ्रेंड्स, आम पढ़ुले बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रो यूनिट 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आम ऑलरेडी तार दुईटा क्लास कर देचे। सो टुडे इज क्लास नंबर 3। आज क्लास रे आम मार्केटिंग मिक्स विषय पढ़ा, तार एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स भितर प्रथम एलिमेंट दैट इज प्रोडक्ट मिक्स विषय पढ़ा। फाइन, एवं चैप्टर टी टॉपिक टी तुम मानक वेरी 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 इंपोर्टेंट, बिकॉज़ तुम लॉन्ग क्वेश्चंस आसीबार मैक्सिमम चांसेस अछि, एवं तुम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी तुमको 3 मार्किया हो 1 मार्किया हो एथ्रू क्वेश्चन तुम डेफिनेटली आसेपिले। तेणु तुम्हें आज चैप्टर टी कि आगामी जो मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड जो चैप्टर्स गुड़िक रुमें तुम टोटाली स्किप करनी, कॉन्सेप्चुअली बुझिकी जीव। फाइन, ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। आम ऑलरेडी मार्केटिंग कौन पढ़ी देचे, ओके तो आज देखा मार्केटिंग मिक्स रो अर्थ कौन, मीनिंग पढ़ा। इट रिप्रेजेंट्स टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मार्केटिंग मिक्स इज एन इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। ओ सॉरी, इट इज एक्चुअली मार्केटिंग मिक्स इज एन इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। प्रत्येक बिजनेस रो मेन ऑब्जेक्टिव होची कौन, प्रॉफिट अर्न करबा एवं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करबा, टाइम टू टाइम बढ़ेबा। फॉर डूइंग सो दे कंसंट्रेट ऑन सम फैक्टर्स एंड व्हेन वी कंबाइन दिस फैक्टर्स इट कॉल्स मार्केटिंग मिक्स। तेणु ये प्रॉफिट अर्न करबा किंबा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करबा एथी सब कार्य करबा पई प्रोड्यूसर मानक मार्केटर्स मानक किसी फैक्टर्स डिपेंडेंट होकर रहा पड़े, एवं यही फैक्टर्स मानक जितेबाला आम कंबाइन करदे एकाठी करदे पे आम मार्केटिंग मिक्स बोली कहू। बर्तमान किसी कनसेप्ट बुझी आसलानी, सिंपल भाषा बुझेवा को गले गोटे प्रोड्यूसर काम हो कौन, गोटे मार्केट रे कंज्यूमर मानकर नीड को आइडेंटिफाई करी तांको नीड को सैटिस्फाई कला भाया गुड्स एंड सर्विसेस सप्लाई करे, दिस इज मार्केटिंग। सो यही कार्य करने बहुत गुड़िए टूल्स रो बहुत गुड़िए टेक्निक्स रो सहायता नाक पड़ी थाए। ओके, बा बहुत गुड़िए फैक्टर्स रही जो जहाँ थ्रु रे ये सब कार्य गुड़िक करा जाए। तो ये जो टूल्स गुड़िक रहा ये जो फैक्टर्स गुड़िक रहा एगुड़ी आम जो एकाठी करदे पीले आम कौ मार्केटिंग मिक्स। ओके, तामने मार्केटिंग मिक्स अंडर रे सब टूल गुड़ाक तार सब एलिमेंट्स हो जाए। फाइन, सो देख ये कहला मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इनग्रीडियंट्स, इनग्रीडियंट्स अर्थ एलिमेंट्स और टूल्स व्हिच द मार्केटर मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विथ ए पर्टिकुलर मार्केट। तामने गोटे मार्केटर गोटे मार्केट रे एंट्री करबा को चाहूची, निजर प्रोडक्ट को सेटा रे लॉन्च करबा को चाहूची, कंज्यूमर पाखरे पहुंचेबा को चाहूची। सो एगुडी को करबा पई ताको किछि टूल्स रो सहायता नबा को पड़िबो, ताको किछि इंग्रेडिएंट रो सहायता नबा को पड़िबो, एवं जेते बळे से इंग्रेडिएंट को आमे मिक्स करि दउ। मार्केटिंग मिक्स माने कोन, मिक्स माने मिक्सचर मिश्रित बा सब गुडी को एकाठी करि देबा, समेशन करि देबा। तो जेते बळे से टूल गुडी को एकाठी करि दिया जाए पिले ताको आमे मार्केटिंग मिक्स बोली कहिताउ। ओके, तो ए जो टूल्स गुड़िक रही एगुड़ी आम 4P कहू। एबे आगो को पढ़ा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, जहाँ कि फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट मिक्स को आज आम कंप्लीट करिबा। ओके, सो एठारे देख तुम फिलिप कोटलर एवं विलियम जे स्टैंटन कर डेफिनेशन लिखा जा। सो तुम्हें या नोट कर नब, एग्जाम जिते बड़े लंग क्वेश्चन आसो आटलिस्ट गोटे डेफिनेशन तुम्हें लिख। फाइन, सो फिलिप कोटलर कहले मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ अ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म्स यूजेस टू परस्यू इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। ओके, विलियम जे स्टैंटन कहले मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कम्बिनेशन ऑफ अ 4 इनपुट्स। चार्टा इनपुट्स कौन कौन ना, व्हिच कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। ओके, कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम कौन कौन ना, द प्रोडक्ट आसीगला, प्राइस स्ट्रक्चर आसीगला, प्रमोशनल एक्टिविटीज आसीगला एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आसीगला। सो यही जो चारोटी इनपुट्स रहा जो चारोटी एलिमेंट्स रहा जो आम कंबाइन करदे आम कौ मार्केटिंग मिक्स। फाइन, ओके,
ପିଲେ ଫିଲିପ୍ କୋଟଲର୍ଙ୍କ ନାଁଟିକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଫିଲିପ୍ କୋଟଲର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଫାଦର୍ ହେଲେ ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁ ଟେଲର୍, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଫାଦର୍ ହେଲେ ହେନ୍ରି ଫେୱଲ୍, ସେହିଭଳି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଫାଦର୍ ହେଲେ କିଏ ନା ଫିଲିପ୍ କୋଟଲର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ। ଦେଖ, ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସର କନସେପ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ନିଲ୍ ଏଚ୍ ବର୍ଡନ୍, NELH BURDON, BURDEN। ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସର କନସେପ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଲ୍ ଏଚ୍ ବର୍ଡନ୍। ବଟ୍ ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍, ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ ମେକାର୍ଥି। ଫାଇନ୍, ସୋ ଯଦି ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମେକାର୍ଥି ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସର କନସେପ୍ଟ କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନିଲ୍ ଏଚ୍ ବର୍ଡନ୍ ଦେବ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ବି ନିଲ୍ ଏଚ୍ ବର୍ଡନ୍ ଦେଇନଥିବ ଅପ୍ସନ୍ରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ତୁମର ମେକାର୍ଥି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଏଇଟା ବି ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ପଚରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ସୋ ମେକାର୍ଥି ଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହାଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଅ 4P। ଚାରୋଟି ପି କ'ଣ କ'ଣ? ପି ଫର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ପି ଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍, ପି ଫର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପି ଫର୍ ପ୍ରମୋସନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ରହିବ, ତା'ର ସେପ୍ କ'ଣ ରହିବ, ତା'ର ସାଇଜ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପ୍ରାଇସ୍। ପ୍ରାଇସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେଲ୍ କଲେ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ ହେବ, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟ୍ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ କନଜ୍ୟୁମର ତାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ଲେସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କେଉଁ କନଜ୍ୟୁମରକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡେଲିଭରି ଦିଆଯିବ, ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ସଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ କରେ, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇକି କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଖରୁ ହୋଲସେଲର୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ହୋଲସେଲର୍ ପାଖରୁ ରିଟେଲର୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ରିଟେଲର୍ ପାଖକୁ କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରୁ ଯିବ। ତ କାହା କାହା ବାଟ ଦେଇକି କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରମୋସନ୍। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଡ଼ିଟ୍ କରାଇବାକୁ କହିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଆଗେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ପ୍ରମୋସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ବଟ୍ ଏଠାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଖାଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବି ରହିଅଛି ପ୍ରମୋସନ୍ରେ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ଟି ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବେସିକ୍ ଓଭରାଲି ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଦେଖ, 4P ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ କହୁଛି, ବଟ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ 4P ପରେ 5P ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, 5P ପରେ 7P ଲଞ୍ଚ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି, 7P ପରେ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି 8P ଚାଲୁଅଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତୁମର 4P କହିଛି, ସୋ ଓନ୍ଲି ତୁମେ 4P ଉପରେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ। ଫାଇନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ? ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ଦେଖିଥିବ, ମୁଁ ସେଠାରେ ବି ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଛି ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କହିଲେ କେବଳ ଆମେ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁପାରୁଛେ, ସେଇଟା ଯେ କେବଳ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଇଟ୍ ସିଗ୍ନିଫାଇଜ୍ ଦ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍, ଅଫର୍ ଟୁ କଷ୍ଟମର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ନିଡ଼୍। ତେଣୁ କଷ୍ଟମର୍ର ନିଡ଼୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଙ୍କ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁ, ୱେଦର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। କଞ୍ଜୁମର୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବୋଟଲ୍ଟେ ଦେଲୁ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। କଞ୍ଜୁମର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲୁ, ବସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲୁ, ସୋ ଏଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ତା'ର ନିଡ଼୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଲ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ସୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଇପାରେ, ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ହେଇପାରେ, ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରେ, ବା ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଫର୍ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେଲ୍ କରାଯାଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଲ୍ କରାଯାଏ ନା ତା ନିଡ଼୍ସକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆସ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସର ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିବ ଜାଣିଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସୋ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କିଛି ତା ଉପରେ ଲେଖିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ତୁମକୁ ଓଭରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲେବୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ।
प्रथम लेवल आसला लाइज इन द कस्टमर बेनिफिट ता माने देख यू जिनसर एक्सप्लेनेशन नोट्स तुम कल्याणी पब्लिकेशन्स कि अदर पब्लिकेशन्स बुक गुड़ाक अवेलेबल अच्छी सो तुम्हें डेफिनेशन्स मीनिंग गुड़िक पढ़ी नब मु जस्ट ताक बुझे दूची ओडिया रे ओके लाइज इन कस्टमर बेनिफिट माने प्रडक्ट टी जो प्रडक्ट प्रड्यूस होउची तार ऑब्जेक्टिव टी फुलफिल कर पारुथवा दरकार ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करुथवा दरकार अर्थात बर्तमान देख विंटर सीजन चली शीत पोशाक बाहर तो शीत पोशाकटी तुम शीत को काटि पार्थ्वा दरकार शीत को कमई पार्थ्वा दरकार गोटे लोक जो से पोशाकटी पिंधुची ताकू शीत न लगुवा दरकार जदि तुम्हें गोटे शीत पोशाक प्रडक्शन कल एंड से पोशाक पिंधि सारापर भी लोक को शीत लगुच से प्रडक्टर कौन सी वैल्यू ही ना तेणु कस्टमर जो ऑब्जेक्टिव्स रही ऑब्जेक्टिव बेनिफिट को फुलफिल कर दरकार एटा हूँ फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल कहला एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ कस्टमर अर्थात कस्टमर जो भाया चाहूँ से भाया प्रडक्ट प्रड्यूस होगा दरकार स्वेटर टी आम गोटे तैयारी कले कस्टमर चाहूँ तार गोटे कैप लगी दरकार तार यही साइड मानने मझे गोटे चेन लगी दरकार ब्लाक कलर होता दरकार डिजाइन टी टाइप रहा दरकार तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस अनुजाई आम प्रडक्ट कोई दरकार सो दैट मार्केट से गुड़िक सेल हम थर्ड कहला ऑगमेंटेड कॉन्सेप्ट ऑगमेंटेड कॉन्सेप्ट अर्थ तुम्हें जमी स्वेटर प्रोडक्शन करके दौ तुम भाया आहरी दस बारटा कंपनी सेमती स्वेटर प्रोडक्शन करके दौले तुम्हें लोक मैंने प्रडक्ट न किणिकी तुम प्रडक्ट कौन पर किणवे ना जदि तुम्हें किसी एक्सट्रा बेनिफिट एक्सट्रा फिचर से प्रडक्ट दब ओके फॉर एग्जांपल सब लोक मैंने केवल स्वेटर दौंस तुम्हें स्वेटर सहित कौन कल तुम्हें स्कार्फ भी देदल है कि तुम्हें गोटे मास्क तांको गिफ्ट आकार देदल कि से जो प्रोडक्ट प्राइस रही मार्केट जिते रही आहरी कमईदेल तो यही टाइप जो एक्सट्रा बेनिफिट दब से तुम प्रोडक्ट प्रति कस्टमर मैंने आट्राक्ट हे एंड तुम प्रोडक्ट को ही प्रिफर करेंगे सो दिस इज द लेवल थर्ड बुझीगला बर्तमान आम देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस देख एटा भी तुम प्लस टू लेवल नॉट इंपोर्टेंट बट जेहेतु तुम मार्केटिंग मिक्स गोटे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ु सो ओवरऑल तुम टिके टिके नॉलेज रही दरकार मुझे कह कौ जिनस को तुम अधिका फोकस कर प्लस टू रे सो प्रोडक्ट को मुख्यतः दुईट कैटेगोरी डिवाइड कर प्रथम है कंज्यूमर प्रोडक्ट सेकेंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करा जाए कंज्यूमर रो नीड्स को सैटिस्फाई करिवा पई ताकु दिया जाए ताकु हमें पिले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोली कहि थाउ एंड जो प्रोडक्ट को यूज करिकि आउ गोटे प्रोडक्ट तैयारी करा जाए ताकु हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोली कहि थाउ नॉर्मली किसी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को जाए से ही रॉ मटेरियल आउ गोटे प्रोडक्ट तैयारी हुए तो से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोली कहिबा एहा व्यतीत इंडस्ट्री भितर जो मशीनरी रही जो टूल्स रही जहाँ को यूज करके प्रोडक्ट गुड़िक तैयारी कराए से गुड़िक भी आम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रे काउंट्स हे फाइन एगेन तुम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टी दुई भाग में विभक्त करन दि बेसीस अफ ड्यूरेबिलिटी अर्थात समय अनुसार केते समय धरिकी तुम्हें से प्रोडक्ट को यूज कर पार एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अ बाइंग बिहेवियर कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर नेचर को लेकिन किणा नेचर को लेकिन डिवाइड कर तो ड्यूरेबिलिटी अनुसार पिले एगेन तीन भाग में विभक्त कर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जदि गोटे प्रोडक्ट तुम अधिका दिन धरिकी यूज कर पार अधिका दिन धरिकी रखिपार किणिकी आनी सारापर तुम घर से अधिका दिन जाए रही पार्क तुम अधिका दिन जाए यूज कर पार देन ताकू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बोली कहा जस्ट लाइक टीवी रेफ्रिजरेटर एगुड़िक कौन तुम अधिका दिन धरी यूज कर पार सेकेंड रे आसिला नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट अर्थात जो प्रोडक्ट को तुम्हें बेसी दिन धरी यूज कर पार ना गोटे क्षीर पैकेट जब मार्केट किणिक आणुच हार्डली हेल्ले दुई दिन जाए यूज कर पार क्षीर पैकेट भी लिखा होता है 48 आवर्स जाए यहाँ यूज हो पार तुम्हें मार्केट रू जदि सपोज पर किणिक आनल ताले बेसी रू बेसी से चार पाँच दिन रहा पर नष्ट सो एगुड़िकगले तुम नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स देन आसिबो सर्विसेस सर्विसेस जमी बैंकिंग सर्विसेस इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेस सो एगुड़िक तुम सर्विसेस आसीजे वर्तमान बाइंग बिहेवियर अंडर आसला कन्वीनिएंट प्रोडक्ट कन्वीनिएंट प्रोडक्ट होउची कन्वीनिएंट अर्थ कौन सुविधा रे जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को सुविधा रे मिली जाए कंज्यूमर को एत एफर्ट्स देवाक पड़ेनि कि बाछवाक पड़ेनि को क्वालिटी रो नबू को शेप रो नबू को स्टाइल रो नबू ए सब जिनस जदि कंज्यूमर को करबाक पड़ुनि कंज्यूमर को बेसी एफर्ट्स देवाक पड़ुनि तले से प्रोडक्ट को आमे कन्वीनिएंट प्रोडक्ट्स बोली कही था जस्ट लाइक तुम क्षीर है सुगर है सॉल्ट है एगुड़ी कन्वीनिएंट प्रोडक्ट इजिली सब जगह अवेलेबल हो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट देवा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देवा पड़
नहीं। सेकेंड आसला शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स अर्थ जमी तुम्हें शोरूम को जाकि जितेबाला ड्रेस किणु से तुम्हें डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइप्स ड्रेस देखु गोटे ड्रेस को आउ गोटे ड्रेस सहित कंपेयर करुच तार क्वालिटी कंपेयर करुच प्राइस देखु ये अधिका प्राइस होगा ये कम प्राइस होगा तो से शॉपिंग प्रोडक्ट्स बोली कह। ओके एंड थर्ड वन इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट अर्थ जो प्रोडक्ट को किणवापी कंज्यूमर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स दबा को पड़ुछि एक्स्ट्रा चेष्टा करने को पड़ुछि ताकू आमे स्पेशलिटी प्रोडक्ट बोली कहिबा। फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड रो बाइक किणवापी तुमको राउरकेला सपोज तार शोरूम ना तुमको भुवनेश्वर जाकि बाइक परचेज करने पड़ो सो तुम्हें से बाइक टी किणवापी भुवनेश्वर तुमको जावाक पड़ा सो से बाइक से तुम्हें स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो बुझीला। ओके बाकी तुम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेम जिन मेटेरियल जोड़ा कहली कैपिटल प्रोडक्ट अर्थात जोड़ा फिक्स्ड एसेट जमी मशीन टूल एगुड़ी रहीगले सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेस तो एगुड़ी तुम से इंपोर्टेंट नुह बस जदि भी किए बही पढ़ुच तेल तुम कन्सेप्ट क्लीयर होती कहीदेली। ओके सो नेक्स्ट आम आसवा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स होउछि तुमर फास्ट एलिमेंट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स तो तुमको आइदर मार्केटिंग मिक्स रो एलिमेंट्स पचारि दैतिब नल नै तीन मार्क रे डायरेक्ट लिखि दैतिब जे प्रोडक्ट मिक्स रो शॉर्ट नोट करो। ओके सो प्रोडक्ट मिक्स रो अर्थ कोन ना प्रोडक्ट मिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ एटा को ऑफ करिवो टोटल नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स सॉरी एटा ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम्स व्हिच ए पर्टिकुलर मार्केटर ऑफर्स इन द मार्केट तेणु प्रोडक्ट मिक्स होची कौन ना गोटे मार्केटर बा गोटे सेलर बा गोटे कंपनी जदि एक रु अधिका टाइप्स रो प्रोडक्ट मार्केट रे सेल करुची ताले से सब प्रोडक्ट को कंबाइन करके आमे ताकु प्रोडक्ट मिक्स बोली कहिबा। ओके फॉर एग्जांपल देख जेमिति तुमर मारुति मारुति कंपनी प्रथमे मारुति 800 बाहर करितिले। ओके धीरे धीरे कौन हला ना मारुति जेन आसला मारुति वगन आर एसटीम आसला मारुति जेप्सी आसला मारुति बैलेनो अल्टो स्विफ्ट यही टाइप रो तुमर डिफरेंट भेराइटर कार्स सब आसला। ओके सो एगुड़ी को आम कंबाइन कर दूचु से आम कह प्रोडक्ट मिक्स बा ए फर्म मे स्टार्ट विथ वन प्रोडक्ट ऑफ द इन द बिगिनिंग सेटा टिके भूल मिसप्रिंट हो इन द बिगिनिंग एंड मे गो ऑन एडिंग प्रोडक्ट इन द सेम लाइन और इन द अदर लाइन्स तेणु प्रथम रु हुए तो गोटे प्रोडक्ट को मार्केट लॉन्च कला पछरे धीरे धीरे करके अन्य प्रोडक्ट से धीरे धीरे लॉन्च कला जमी ये कहली मारुति 800 परे एते प्रकार कार से मारुति वाला लॉन्च करदेला। ओके तो आइदर गोटे नुआ प्रोडक्ट लॉन्च कला ना एक रु एकाधिक प्रोडक्ट लॉन्च कला तो सेगुडी आम कंबाइनली प्रोडक्ट मिक्स बोली कही था कहीं प्रोडक्ट मानकर मिक्स एक रु एकाधिक प्रोडक्ट लॉन्च एक रु एकाधिक प्रोडक्ट से कंपनी रही सो प्रोडक्ट मिक्स। फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन स्टार्टेड फर्स्ट टेलीविजन बट लेटर ऑन एडेड प्रोडक्ट लाइक रेफ्रिजरेटर ऑडियो सिस्टम वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर। देख गोटे कंपनी प्रथम गोटे प्रोडक्ट को लॉन्च कला पछरे से कौन कर ना से प्रोडक्ट डिफरेंट वैरायटी को लॉन्च कर देबो जमी मारुति प्रथम मारुति अल्टो को लॉन्च कला तापर डिफरेंट कार से कार रो ही डिफरेंट वर्जन गुड़ी को लॉन्च कर देला स्विफ्ट डिजायर ए सब लॉन्च कर देला। आउ गोटे कौन प्रोडक्ट मिक्स हो पार ना गोटे कंपनी वर्तमान गोटे प्रोडक्ट को लॉन्च कला पछरे कौन कर सी अन्य वैरायटी माने से प्रोडक्ट नुह जमी एठार वीडियोकॉन प्रथम टेलीविजन देला पछरे कौन कला रेफ्रिजरेटर देला ऑडियो सिस्टम देला वॉशिंग मशीन देला। ओके एठी टेलीविजन डिफरेंट वर्जन लॉन्च कलानी बट रेफ्रिजरेटर नहीं आसला जोटा कि टेलीविजन टू पूरा अलग ऑडियो सिस्टम आनला जोटा कि तुम एम्पलीफायर म्यूजिक सिस्टम अच्छी वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर एमती धीरे धीरे लॉन्च कला। आउ सबुठ बेस्ट एग्जांपल पिले प्रोडक्ट मिक्स रो टाटा कंपनी को नहीं जाओ टाटा कंपनी आजिकल तुम जेकोसी प्रोडक्ट देखो टाटा कंपनी पाइब टाटा सल्ट देख टाटा मोटर्स देख जेकोसी जगार तुम देखो टाटार पाइब सो टाटा हूँ कौन प्रोडक्ट मिक्स बुझीगला। नेक्स्ट अच्छा ये जो प्रोडक्ट मिक्स एत गुड़े डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट लॉन्च कराइबार पर्पस कौन थाए द पर्पस इज टू ग्रो एंड स्टेबल इन द मार्केट मार्केट ग्रो करवा मार्केट रे ग्रो करिबा एवं स्टेबल होकर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल्सो रेफर्स टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू क्वालिटी डिजाइन पैकेजिंग। प्रोडक्ट मिक्स केवल जे डिफरेंट टाइप्स रो प्रोडक्ट लॉन्च करदेबा ता नुहे बट गोटे प्रोडक्ट रो क्वालिटी तार डिजाइन तार पैकेजिंग बा जोटा को आम तार ब्रांडिंग कोई ब्रांड प्रोडक्ट ताको केमिति पैकेज करा जाउची ता ऊपर कौन कौन सब स्टिकर लगा जाउची सेगुड़ी को भी तुम प्रोडक्ट मिक्स अंडर रे आसी जिबे। ओके सो एगुड़ी को हमें एलिमेंट्स बा कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स बोली कहू तीनोटी जिनस
ଏବଂ ୟାର ବି ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ପିଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେବଲିଂ, ତ ତାକୁ ବି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ମନେ ରହିବ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାରୋଟି ପି ଆସିଲା, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ, ପ୍ଲେସ୍ ମିକ୍ସ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ, ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ, ପ୍ଲେସ୍ ମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିକ୍ସ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ତିନୋଟି ମିକ୍ସ ଆସିଲା, କ'ଣ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ। ଓକେ, ସୋ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖୁଛ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଛି, ତୁମର ନାଁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ତୁମର ନିଜର ଗୋଟେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବ ତୁମ ନାଁରେ ଚିହ୍ନିବ। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ମାର୍କେଟରେ ଆସେ, ତା'ର ବାପା ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ବା ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟି ଦିଆଯାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ପିଲେ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ସୋ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଅର୍ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଅ କ୍ୱାଲିଟି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେଉଁ ନାଁଟି ରହିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପିଲେ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହୁ। ଯେମିତି ଟାଟା ରହିଲା, ହେଲା, ଏ ପିକ୍ଚର୍ରେ ତୁମେ ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତୁମେ କହୁଛ ନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ, ହେଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କପଡ଼ାର ମିନିଂ କ'ଣ? ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁକୁ ନେଇକି ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ବୋଲି କହୁଛ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ କଷ୍ଟମର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟର୍। କ୍ରିଏଟର୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍, ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ, ତୁମେ କହିବ ଯେ ମୋତେ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ର ଟି ସର୍ଟ ଦରକାର, ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ନାଁଟି ନେଲ, ସେଇଟା ତୁମକୁ କନେକ୍ଟ କରାଇଲା ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ବା ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ର ଓନର୍ଙ୍କ ସହିତ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଅ ଗିଭିଙ୍ଗ ଏ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ସେଲର୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେଲର୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଟାଟାର ଟାଟା ସଲ୍ଟ ଆସିଲା, ଟାଟାର ମୋଟର୍ସ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆସିଲା, ଟାଟା ଟି ହେଲା, ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିଲା, କନ୍ସଲ୍ଟେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟାଟାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ନାମକରଣକୁ ପିଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ନାମକରଣ ଦେବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତା'ପରେ କହିଲା, ଦ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ନେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ବି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାଇଭେଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସହିତ ଇଜିଲି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଷ୍ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମେ ହେଲ ରାମ, ମୁଁ ହେଲି ଶ୍ୟାମ, ତେଣୁ ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ତୁମ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛ, ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର, ଟାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ରକୁ ଅଲଗା କେମିତି କରାଗଲା? ନା ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଲଗା କରାଗଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯଦି ତୁମେ ନାମକରଣ ଦେଇଥିବ, ତା'ର ଯଦି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ନାଁ ବି ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ ଯେତକ ବି ରଦିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଲୋକ ସେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ତା ନାଁରେ ହିଁ ଚିହ୍ନିବେ। ତ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖ, ଯେତେ ବି ସବୁ ତୁମେ ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଜିଓ ଆସିଗଲା, ଏୟାରଟେଲ୍ ଆସିଗଲା, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଆଇଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଶି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭିଆଇ, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍, ହେଲା। ଆର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଫର୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ। ୱାନ୍ସ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ, ୱାନ୍ସ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଆସିଯାଏ, ତାକୁ କାଟିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। କାଟିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଏ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ଲିଗାଲ୍ ଟର୍ମ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହାଜ୍ ବିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା BEEN, ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡ୍ୟୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରେ, ତା'ର ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଏ, ତେଣୁ ସେ ନାଁକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କପି ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ନାଁର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇଦିଏ, ତା ନାଁଟା ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ। ତୁମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବୁଲ୍ ଆସେଟ୍। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଟାଟାର ନାଁଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡର କ'ଣ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଟାଟା ନାଁରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିପାରିବନି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ନାଁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ ସେମିତି କିଛି କରେ, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କୋର୍ଟରେ ନିଆଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ। ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ନିଡ଼୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ନାଁ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗିଭିଙ୍ଗ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଟୁ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ତୁମ ନାଁରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବେ ତା'ର ନାଁରେ।
सेकेंड आसा फैसिलिटेड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो गोटे प्रडक्टर जो तुम एडवर्टाइजमेंट कर तार जब ब्रांड नेम नाला एडवर्टाइजमेंट कर पार्बन। देख तुम्हें बर्तमान घर जो बाहरी जाऊ मार्केट को चारिड़े देख ओपो 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 भिवो 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 एमआई 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 सब एम पोस्टर्स लगे तो एगुड़ी गोटे गोटे कौन ओपो है भिवो है एमआई है एगुड़ी भी गोटे गोटे ब्रांड नेम। ओके तेणु जो एडवर्टाइजमेंट रे पब्लिसिटी जब यहाँ हेल्प करे। एंड द थर्ड वन इज कैप्चरिंग मार्केट। कैप्चरिंग मार्केट अर्थ जत तुम गोटे प्रडक्टर ना दौच मार्केट से चली जाऊँगी लोक सब प्रडक्ट को ही चिन्हुं आज भी लोके जत ध्यान देखिए एक्जामपलटा सुन तुम मानक भितर भी मैक्सीम पिला जिनस करुव दोकान को जाऊ कौन आज्ञा आमको गोटे सर्फ दिंतु कि टाइड सर्फ दिंतु पिले से टाइड सर्फ नुह आकचुअली सर्फ हूँ कौन सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर ना सर्फ एक्सेल बट से मार्केट रे एते चली जाइछि जे लोक सर्फ ना ही रखिदेइछन्ति बुझी। तो जेरक्स जेरक्स कंपनी गोटे मेसीन बाहर कला से मेसीन रो ना होछि फोटोकॉपी मेसीन बट एते मार्केट रे चली जाइछि जे लोक जाइकि दुकान रे कहुनांति जे आमर गोटे फोटोकॉपी काढ़ी दियो लोक कहुछन्ति आमर गोटे जेरक्स कर दियो। तो देख के पॉपुलर से ब्रांड रो नेम गुड़ाक रही मार्केट को कैप्चर करने ब्रांडिंग भाव में हेल्प करे। ओके एंड नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। आमर ब्रांडिंग गला नेक्स्ट आसीबो पैकेजिंग। पैकेजिंग रे भी सिंपल मीनिंग तुम जानी चो गोटे प्रोडक्ट को जो आम गोटे कौन सी भी मटेरियल कवर कर दूचे से पैकेजिंग नॉर्मली आम यहाँ ही बुझू मार्केटिंग रे भी एक्जाक्ट से बट टिके मार्केटिंग लैंग्वेज रे पढ़ीदे पैकेजिंग अर्थ कौन। पैकेजिंग मीन्स रैपिंग। रैपिंग अर्थ से जो तुम्हें कहली जो पैकेज करुच तुम्हें सैड घोड़ी स्टिकर फिकर लगे कि सेलो टेप लगे जो कार्डबोर्ड जो राउंड टेप करुच से गुड़ी रैपिंग बोली कहुए है रैपिंग कंप्रेसिंग और फिलिंग गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनिएंट हैंडलिंग। तेणु गोटे प्रोडक्टर कन्वीनिएंट हैंडलिंग बा यूज करने प्रोटेक्शन देवाई आम तार कौन पैकेजिंग करूँ ताकू गोटे प्रॉपर गोटे भल मटेरियल आम तार कवर करू। सो दिस इज पैकेजिंग। कन्वीनिएंट यूज माने कौन देख तुम्हें कुरकुरे खाऊ तो कुरकुरे गोटे प्लास्टिक रो पाउच आसूँ से जो प्लास्टिक आसूँ दैट इज पाउच है तो पाउच आसा कि तुम्हें ऑयल यूज करुच तो ऑयल गोटे कौन काच सीसारे आसूची तो सेगुड़िक कौन कन्वीनिएंट यूज करने सेगुड़िक सो दैट कस्टमर मानक जमी असुविधा न हुए यूज करने प्रोटेक्शन देवाई काच सीसारे रहा तो लिक हबार चान्सेस ना कि लॉस्ट हबार किसी चान्सेस ना तो प्रोटेक्शन भी दिगला। पैकेट गुड्स आर नॉट ओनली कन्वीनिएंट टू हैंडल बट दे आर ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो इनक्रीज्ड। तेणु जदि गोटे गुड्स को आम पैकेट करके रखीचे केवल जे सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर कन्वीनिएंट दबो ता नुए बट दीर्घ दिन धरी रखिहब। ओके आउ जदि सेमिति न कर सपोज भाव गोटे मीठा मीठा जिनस एवं देखु हल्दीराम गोटे मीठा डबाटे आसूँ मार्केट रे तो हल्दीराम मीठा जब तुम गोटे जरी रख लगे कौन नो डाउट से फ्रिज रखिले बेस दिन रट पिंपुड़ी होबार चान्सेस अच्छी बुझी। सो बेसी दिन रही पार्बनी तो जदि प्रॉपर पैकेजिंग आम करा दीर्घ दिन धरी भी रही पार। सो पैकेजिंग मीन्स प्लेसिंग गुड्स इन स्मॉल पैकेज लाइक बॉक्सेस बोटल्स टीन्स जार बैग्स तो एगुड़ी भितर जो प्रोडक्ट को रखी दौ सेगुड़ी आम पैकेजिंग बोली कौचु। ओके फॉर ए कन्वीनिएंट सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर तो कंज्यूमर को सेल करवाई बेसिकली पैकेजिंग करा जाए। तो पैकेजिंग रे भी पिले लेबुल रही टाइप्स ऑफ पैकेजिंग होची तीन प्रकार। प्रथम आसा प्राइमरी पैकेजिंग जितेबाला प्रडक्ट मार्केट जितेबाला प्रडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बा प्रोडक्शन हुए से प्रथम गोटे पैकेज करा जाए गोटे मटेरियल आम प्राइमरी पैकेजिंग कौचु जमी गोटे टूथपेस्ट गोटे जो प्रोडक्शन हुए गोटे ट्यूब्रे पैकेजिंग करा जाए। ट्यूब माने कौन जो तुम्हें टूथपेस्ट जो बजार किणिक आणु प्रथम तो देख गोटे कागजर उपर खोलटे थी कागजर खोलटे को चिरी तुम फोपाड़ी दूच तापर जो प्लास्टिक जो ट्यूबटे थाए तुम चिपिले कौन टूथपेस्ट बाहर से प्लास्टिक ट्यूबटी चिपिले तुम प्राइमरी पैकेज यहाँ तुम जो प्रडक्शन होते से पैकेजटा कर। नेक्स्ट आसा सेकेंडेरी पैकेज जो प्राइमरी पैकेज उपर जो कागजटी तुम थाए उपर पट्टी टाइप खोल टाइप जोटि की बहुत इनफर्मेशन लिखा जाए ब्रांड नेम भी लिखा जाए जहाँ को चिरी तुम्हें फोपाड़ी दियो सेटा हूँ तुम सेकेंडेरी पैकेज। एंड तृतीयटी है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। देख से पैकेज ट्यूब रहा ट्यूब कागजर पैकेज रहा सेमती कागजर पैकेज दसटा कि कोड़ेटा एकाठी होगले गोटे बड़ कार्टून भितर कार्डबोर्ड भितर पैकेज कर दि जाए यही गुड़े जो हो गोटे गाड़ी गोटे जगार आउ गोटे जगह को नि जाए
हैला बा प्रोड्यूसर कौन करे गोटे गोटे रिटेलर मान को दे दे चले बड़ बड़ कार्डबोर्ड रे जो ट्रांसपोर्टेशन करिवर थाए तो सेते बड़ से पैकेज को आमे ट्रांसपोर्टेशन पैकेज बोली कहू दोकानी कौन करे जो से बड़ कार्डबोर्ड टा आने से पेटीटा को चिरी दिए टूथपेस्ट को काढ़ की दुकान थाक सजाई सजाई रखिदे तो से जो बड़ पेटीटा को से काटिला दिस इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज बुझीगला एग्जांपल सहित बुझ पिले। नेक्स्ट आम देखा इंपोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग पैकेजिंग रो कौन इंपोर्टेंस रही प्रथम आसा राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ जदि पैकेज टी आम भल पैकेज ताहले खाद्य सपोज गोटे खाद्य जिनस जदि से भल पैकेजिंग होती से कौन सी जिन नष्ट होबार चांसेस ना ओके आम भल भाव यूज कर जोटा कि आमपाई हेल्दी रेकेंड आस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एटा तो आम जाचे गोटे प्रोडक्ट को आम सपोज गोटे नाली खोल पैक करदे आउ गोटे प्रोडक्ट को आम नील खोल पैक करदे तो सेटा को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर आम ए पैकेज को देखीदे जाणीजा एथेरे कौन अच्छी से पैकेज को देखे जाणीजा से कौन अच्छी। तृतीय आसा गुड फॉर सेल्फ हेल्प आउटलेट्स अर्थ कौन तुम निज जाणीपाई तुम्हें पैकेजिंग टी कर सपोज गोटे पैकेज कल तुम पाखे चार पांचटी आइटम अच्छी पैकेज कल तो तुम्हें जो सडन जानवाक चाहू जो कौटी कौन रखी चो, तो से तुमको से पैकेजिंग ही हेल्प कर ओके बिकज से पैकेजिंग उपरे पैकेज गोटे पैकेजटा आउ गोटे पैकेज टी डिफरेन्ट थी बुझी नॉर्मली से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट टाइप रो तुमको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके देदेव जे ए पैकेज भितर कौन अच्छे से पैकेज भितर कौन अच्छे एंड फोर्थ वन इज बेटर मार्केटेबिलिटी मार्केटेबिलिटी मार्केट रे तुमरो एडवर्टाइजमेंट करवाई तार ब्रांड नेम देवाई भी तुम पैकेजिंग दरकार बिकज बहुत गुड़े पैकेज उपर तुम ब्रांड नेम लेखा आसूची बहुत गुड़े इनफर्मेसन लेखा आसूची ओके तेनाली मार्केट में भी रनिंग करवाई गोटे प्रडक्ट को तुम पैकेजिंग बेटर पैकेजिंग दरकार बिकज जदि पैकेजिंग तुम ठीक से न कर कंज्यूमर पाखे जिनस ठीक से पहुँची पार्बन कंज्यूमर ताक ठीक से यूज कर पार्बन सो तुम प्रडक्टर वैल्यू ही किसी रही सो मार्केटेबिलिटी पैकेजिंग इंपोर्टेंस रही। नेक्स्ट आसवा एवं लास्ट लेवलिंग लेबलिंग अर्थ कौन पिले देख एठार गोटे चित्र मुझे सर्वप्रथमें कहीदे देखी सबू प्रडक्टर पछपटे किसी इनफर्मेसन लेखाई थाए कि से प्रडक्टे कौन कौन इनग्रीडियंट मिसिकी से प्रडक्टी कौ इनग्रीडियंटर के परिमाण रही तार एक्सपायरी डेट के प्रडक्शन होता से प्रडक्टर ना ये सब जो इनफर्मेसन गुड़िक लेखाई थाए पिले आम लेबलिंग कही था ओके सो बर्तमान ओडिया मीनिंग तुम्हें बुझीगल देख जमी डेरी मिल्क पछाड़े कौ कौ आइटम्स कौ कौ इनग्रीडियंट के परसेंट मिसी डेरी मिल्क चॉकलेट्रे सो पैकेजिंग ब्रांडिंग एंड लेबलिंग गो टुगेदर एंड कन्स्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सो गोटे प्रोडक्ट को डेवलप करवाई तार प्लानिंग करवाई तुम तीनोट एलिमेंट्स मुख्यतः भूमिका रही दैट इज प्लानिंग ब्रांडिंग एंड लेबलिंग तुम्हें कौटा को भी अधिका इंपोर्टेंस दे पार्बन क्या कम इंपोर्टेंस दे पार्बन प्रत्येक एलिमेंट्स को तुमको इक्वल इंपोर्टेंस देवाक पड़ो ए लेवल गिव्स भर्बल इनफर्मेसन भर्बल इनफर्मेसन अर्थ लिखित आकार रे अबाउट द प्रोडक्ट टू द सेलर तेणु गोटे प्रोडक्टर पछपटे किसी भर्बल इनफर्मेसन लिखा जाए था जोटा कि सेलर को दि जाए जो सेलर से प्रोडक्ट किणे द पर्पस ऑफ लेबलिंग इज एटाक इज टू गिव्स द कस्टमर इनफर्मेसन अबाउट द प्रडक्ट हि इज परचेजिंग एंड ह्वाट इट विल एंड विल नॉट डू फॉर हिम तेणु जितेबाला गोटे प्रडक्ट गोटे कस्टमर को सेल करा जाए से प्रडक्ट कस्टमर पर कौन कर कौन न कर प्रडक्टर फुल इनफर्मेसन कस्टमर को दि जाए थ्रू लेबलिंग ओके जो प्रोसेस इनफर्मेसन गुड़िक दि जाए पे आम लेबलिंग कही था बुझी एवं जो स्टिकर उपर एगुड़ी को लिखा जाए आम लेबल बोली कही था ए लेबल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पैकेज और डायरेक्टली अटैच्ड टू ए प्रोडक्ट तेणु देखिबो बहुत गुड़िए प्रोडक्ट एमती थी जहाँ कि पैकेजिंग उपर ही बहुत गुड़िए इनफर्मेसन लिखा जाए थी हैला तुम्हें जदि मोबाइल फोन्स परचेज कर देखिए ऊपर जो कार्डबोर्ड पैकेज थोड़े लिखाई थोड़ा मैन्युफैक्चर बाय चाइना कि इनफर्मेसन लिखाई थोड़ा आईएमआई नंबर बैटरी बैकअप के तार स्टिकर सब इनफर्मेसन दि जाए थो तो कौटी पैकेजिंग दि जाइए मोबाइल उपर देख एत इनफर्मेसन दि जाए किसी प्रडक्ट एमती भी अच्छी जोटा कि तुम प्रडक्ट उपर इनफर्मेसन दि जाए बुझी जमी तुम्हें अएल किणुच मार्केट तो ऑयल रे कौन तेल दिव तो इनफर्मेशन दिया हम ना तो से तेल बोतल उपर जो प्राइमरी पैकेजिंग रही से प्राइमरी पैकेजिंग उपर इनफर्मेशन दिया है जाए तो गोटे लेबल कहले आम कौ कौ इनफर्मेसन शो कर गोटे प्रडक्ट कौ कौ इनफर्मेसन शो कराए सो आज सब पिले तुम्हें गोटे प्रडक्ट को देख ता जो जो इनफर्मेसन दि जाइए सेगुड़िक गोटे गोटे लेबल एग्जांपल
ओके ब्रांड नेम लिखा जाइथिबो कुरकुरी हेला कि डेरी मिल्क हेला नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोड्यूसर को जगह रे प्रोड्यूस हेची को कंपनी प्रोड्यूस करिची डेट ऑफ पैकेजिंग केबे से प्रोडक्ट टी पैकेज करा गला से प्रोडक्ट टी केबे एक्सपायर करिबो तार वेट केते जदी सेटा रे किछि काउंटेबल जिंस गुडी को रहिची सपोज पेन रहिची ताले केतेटा पेन रहिची से जिंस भी इन्फॉर्मेशन थिबो देन डायरेक्शन फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ अ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को केवली भाव रे यूज करिवो तार डायरेक्शन दिया जाय थाए जेमिति खाद्य ऊपर देखिवो मैगी केमिति तयारी करिवो इन्फॉर्मेशन दिया जाय थाए मेडिसिन गुडी को केमिति तुमे नबो से गुडी को भी इन्फॉर्मेशन दिया जाय थाए नेक्स्ट स्पेशल केयर ऑफ द प्रोडक्ट प्रायतः मेडिसिन गुडी को देखिवो जे लिखा हेतिवो जे एते डिग्री कोल्ड टेंपरेचर रे तुमे मेडिसिन टिकु रखिवो एडा भी इन्फॉर्मेशन दिया जाय थाए टीवी ऊपर तुमे गोडो पकेइबोनी धूली जगह रे रखिबोनी ए सब इन्फॉर्मेशन दिया जाय थाए केमिति केयर नबो प्रोडक्टर एंड रिटेल प्राइस से प्रोडक्टर रिटेल प्राइस एमआरपी केते मैक्सिमम रिटेल प्राइस केते एटा मधे इनफर्मेशन दिया जाए थे सो दैट याठू अधिका मार्केट रे कोनोसी भी सेलर नहीं परिबो नाही बुझियला सो ये थिला तुमर बेसिक्स अबाउट लेबलिंग सो पिले आजिर क्लास रे आमे जानिले कोन मार्केटिंग मिक्स कोन मार्केटिंग मिक्स रो एलिमेंट्स गुडी को कोन कोन रहिची दैट इज प्रोडक्ट मिक्स प्राइस मिक्स प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स याकू देथिले किए मैकार्थी देथिले फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट किए फिलिप कोटलर अगेन प्रोडक्ट मिक्स रे आमे कोन कोन जानले ना ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग ब्रांडिंग रो अर्थ गोटे प्रोडक्टर नामकरण देबा बा से प्रोडक्टर सिंबल साइन एगुडी को आमे ब्रांडिंग बोली को एप्पल रो देखिचो तुमे गोटे अधा सेउखिया इमेज थिबो सो दिस इज ब्रांडिंग सैमसंग रो देखिथिबो जो सैमसंग लेखाई गोटे गोलेट थिबो दिस इज ब्रांडिंग हैला पैकेजिंग अर्थ कोन ना गोटे प्रोडक्ट को सेफ प्रोटेक्शन देबा पई बा कन्वीनिएंट यूज करिया पई ताकु आमे रैपिंग करू बा कवर करू किछि रॉ मटेरियल रे किछि तुमरो कार्डबोर्ड रे तो एगडी को आमे कोन पैकेजिंग बोली कहिथौ पैकेजिंग रो पुनी तुमरो प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग रहिछि एंड द लास्ट वन इज लेबलिंग गोटे प्रोडक्ट दिया रे बहुत गुडी इन्फॉर्मेशन शो करा जायथाय लाइक प्रोडक्ट रो नेम हैला ब्रांड नेम केबे प्रोडक्शन हेतिला के प्रोडक्शन करितिला पैकेज केबे हेतिला एक्सपायर केबे हबो केमिति यूज करिवो कोन कोन न करिवो ए सब इन्फॉर्मेशन तार प्राइस केते प्रत्येक इन्फॉर्मेशन दिया जाय थाय सो एगुडी कहला लेबलिंग ओके सो आज क्लास रे आमे एतिकी पढ़िबा बाकी जो कांसेप्ट गुडी को रहिछि तुमरो प्लेस प्राइस प्रमोशन एगुडी को भी आमे नेक्स्ट क्लास रे कवर अप करिबा ओके सो आज क्लास टिकु एइट रखिबा देखा हबो पुनी नेक्स्ट क्लास रे टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।